अभी जस्ट लाती हूँ। अच्छा इसी में है ना कासा फ्लोरा। माय चैनल तो आज मैं आई हूँ, देखिए कासा फ्यूरा में जा रही हूँ। रूपा जी को आप सब जानते ही हैं, उनका पोजेशन का वीडियो मेरे चैनल पर आया हुआ था। तो आज उनका घर का पूजा गृह प्रवेश, तो उसमें मैं जा रही हूँ। तो चलिए आप सब लोग भी उनके घर पे और दिखाती हूँ मैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। और आप ही के घर पे जा रहे हैं? तो अभी चलिए गाइस चलती हूँ मैं ऊपर, माइक लगा लेती हूँ मैं इधर। यहाँ पे मैं आ गई हूँ फ्लोर पे गाइस, देखिए। और अभी मैं जा रही हूँ रूपा जी के घर पे। अरे अभी भी पंडित जी हैं, बढ़िया। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू भैया तो इधर भी वीडियो बना रहे। भैया को इसलिए लाई ही हूँ मैं कि वीडियो मेरा चालू रहे। ये सर इसे मैं दूंगा कि लीजिए इसमें। मेरा गिफ्ट भी चाहिए। आ जाइए, अरे पूजा चालू है, आ जाइए। ये है रूपा की सासू माना। अंकल जी से नमस्ते। अंकल हाय, ले लीजिए रूपा का। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर लग रही है। पूजा पाठ हो गया, पढ़ाई दीदी बोले पूजा पाठ सब हो गया। सब अभी जिस तरह लाती। अच्छा अच्छा, जल्दी चले पड़े ऑफिस से आए तो मैं पहचान। तो ये इनको मैं बोली आज एक दो घंटा पहले आ जाइए ऑफिस से, हमें जाना है। तो फिर आ गए इतना जल्दी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड पंडित जी से कच्चा धागा हाथ में जो बंधवाते हैं कंगन, वो बंधवा लिए। और पूजा पाठ एक्चुअली समाप्त हो चुका था, हम लोग लेट हो गए आने में क्योंकि मैं अकेली आ नहीं पाती, दूर था थोड़ा मेरे घर से। तो फिर मेरे हस्बैंड को मैं जल्दी बोली थी कि थोड़ा सा ऑफिस से आ जाइए, तो फिर वो एक दो घंटे पहले आ गए थे। फिर हम लोग यहाँ पे गए, तो उसके बाद पूजा का भी कुछ कुछ क्लिप यहाँ पे मैं ऐड करूँगी। जैसे रूपा जी पहली बार घर में कलश लेके जो घर में आते हैं, वो सब क्लिप है मेरे पास। मैं भले ही वहाँ पे नहीं थी पर रूपा जी से मैं ले ली हूँ वो क्लिप और इसमें ऐड करूँगी। तो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को। चैनल पर कहीं से भी आए होंगे फर्स्ट टाइम, तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब करके। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग फोटो शूटिंग थोड़ा करवा रहे हैं। सब तो पूजा पाठ होने के बाद का कुछ क्लिप मैं ऐड की हूँ और चलिए मैं दिखाती हूँ अभी रूपा कितनी खुश है। और जब पहली बार अपने हाथों में कलश लेके पहली बार जब प्रवेश करते हैं ना, उसका कुछ अलग ही आनंद होता है और चेहरे पे रौनक दिखता है। और यहाँ पे इस तरह से देखिए, पहले हम लोगों को प्रसाद दिया गया था, उसके बाद रात में डिनर करने के बाद ही हम लोग घर आए थे।
तो डिनर भी काफ़ी अच्छा था और रूपा जी की मम्मी और उनकी इन लॉस से भी हम मिले। तो ये देखिए रूपा जी का फेस कितना चमक रहा है गाइज, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। भैया भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पे आए पंडित जी। ये जो घड़ी होता है ना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत खुशी होता है अंदर से। और भगवान सबको ये सौभाग्य दे कि अपने अपने घर में खुशी से रहे लोग और सबका एक अपना छत हो, एक अपना घर हो, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। का जो पजेशन वाला वीडियो में डाली थी ना गाइज, उसमें आप लोगों ने कमेंट किए थे कुछ लोग कि बिल्डिंग तो एक बार आप दिखाती, बिल्डिंग तो पूरा अच्छे से दिखाना चाहिए था। तो इसीलिए मैं सोची कि चलिए इस बार मैं गलती नहीं करूँगी और अच्छे से बिल्डिंग दिखाऊँगी। बी तो दिखा ही रही हूँ, इसके बगल में ए भी है और अब हम चलेंगे सी की तरफ। सी में भी पजेशन मिल गया है, वहाँ भी लोग आ गए हैं रहने, क्योंकि पिछला वीडियो में मतलब एक ये भी कमेंट आया था कि आप बताइएगा कि सी में, फियोरा सी में लोग रहने आ गए हैं क्या, पोजेशन मिल गया है क्या। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी। तो अभी हम बढ़ रहे हैं, देखिए ये है फियोरा सी और यहाँ पे भी लोग रहने आ गए हैं, चार पांच लोग, मतलब चार पाँच घरों में मुझे दिखा लाइट वाइट जलते हुए लोग आ गए थे। और ये है सी विंग का ये नीचे का एरिया जहाँ लिफ्ट लॉबी है ये। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और हम लोग फोटोज़ लिए थे। हाँ एक कमेंट आ रहा था, बहुत सारे वीडियोस पे आए हैं कमेंट लोढ़ा वाले जितने भी मैं वीडियो डाल ली हूँ, कि बस जो है पलावा का वो यहाँ कहीं आसपास में रुकती है क्या। तो जी हाँ, जो लोढ़ा कोडनेम के आगे जो बस बना है ना, ये फ्यूरा वगैरह जो बिल्डिंग है लोढ़ा प्रीमियर, तो इसमें एक बस स्टॉप बना हुआ है। ये सब बालकनी से मैं दिखा रही हूँ, मुझे दिखा यही बालकनी से कि बस डोंबीवली से आते हुए भी और पलावा से जाते हुए, जो खूनी पलावा है उधर से जाते हुए, दोनों टाइम बस रुकी थी वहाँ पे और लोग बैठ रहे थे स्टॉप से। तो बस का कोई टेंशन नहीं है, कोई चक्कर नहीं है गाइज। और हाँ एक कमेंट ये भी आया है पिछला ब्लॉग में कि कार पार्किंग का, देखिए गाइज मैं बता चुकी हूँ अपने कई वीडियो में कि MLCP कार पार्किंग और क्लब हाउस एक ही साथ बन रहा है, बहुत ही बड़ा बन रहा है। ब्लू वाला जो पत्रा दिख रहा था पूरा वो मतलब है, तो क्या होता है ना कि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो और फिर लास्ट में मतलब ऐसे बिना देखे हुए कमेंट कर देते हो कि ये बताइए ये बताइए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए, उससे क्या होगा ना कि आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या बताई हूँ अपने वीडियो में। तो देखिए ये जो ब्लू कलर का जो पत्रा दिख रहा है ना, इसी में कार पार्किंग बनने वाला है, बहुत ही बड़ा कार पार्किंग और ऊपर में क्लब हाउस इसमें बनने वाला है। तो कार पार्किंग के लिए कोई भी आगे चल के दिक्कत नहीं होगा फ्यूचर में, क्योंकि इतना बड़ा सा बन रहा है। तो वीडियो आज का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पे कहीं से भी आए होंगे फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।